नमस्कार भैया बहनों, आज हम पुष्पी पादपों की आंतरिक संरचना के अगले भाग में विशिष्ट प्रकार के ऊतक के बारे में पढ़ेंगे। पिछले भाग में हमने स्थायी ऊतकों में जटिल प्रकार के स्थायी ऊतक, जटिल स्थायी ऊतक पढ़े हैं, जिसमें जाइलम और फ्लोएम के बारे में हमने पढ़ा था। इस भाग में हम विशिष्ट प्रकार के स्थायी ऊतक जो पौधों में पाए जाते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से स्पष्ट है, विशिष्ट ऊतक मतलब विशेष कार्य करने वाले ऊतक को हम विशिष्ट प्रकार के स्थायी ऊतक कहते हैं। इस प्रकार के ऊतक जो है इनमें भी विभाजन की क्षमता नहीं होती है, ये भी परमानेंटली होते हैं मतलब स्थायी होते हैं, और इनमें कोशिकाओं के समूह के रूप में ये स्थित होते हैं और विशेष रूप से कार्य करते हैं। मुख्य रूप से ये स्त्रावण का कार्य करते हैं, इसलिए इन्हें स्त्रावी ऊतक के नाम से भी जाना जाता है, मतलब सिक्रेटरी टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। पौधों में विशेष पदार्थों का निर्माण करना, संग्रहण, आवश्यकता अनुसार उनका स्त्रावण विशिष्ट ऊतकों द्वारा किया जाता है। मतलब जितने भी पौधे हैं उनमें विशिष्ट प्रकार के स्थायी ऊतक जो है वह किसी विशेष पदार्थ का निर्माण करते हैं, जैसे रेजिन, गोंद, उनका संग्रहण करना और साथ ही उनका स्त्रावण करना विशिष्ट ऊतकों का काम होता है। जैसे कि तेल हुआ, रेजिन हुआ, टेनिन, गोंद, मकरंद है, मकरंद जो है फूलों में पाया जाता है, कुछ एंजावा, श्लेष्म मतलब कि चिपचिपा पदार्थ है, लेटेक्स है, इनका निर्माण, संग्रहण और इनका स्त्रावण करने का काम विशिष्ट ऊतकों का होता है। इसी प्रकार देखें कि विशिष्ट प्रकार के स्थायी ऊतक जो है ये मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ग्रंथिल ऊतक मतलब ग्लैंडुलर टिश्यू, रबर सिरी यानी आक्षीरी ऊतक मतलब जिसे लेटिसिफेरस टिश्यू के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से मुख्य रूप से दो प्रकार के टिश्यू होते हैं, ग्रंथिल ऊतक और रबर शिरी ऊतक। ग्रंथिल ऊतक ग्लैंडुलर टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। इस प्रकार के ऊतक में कई प्रकार की ग्रंथियां होती है, मतलब ये स्त्रावण का कार्य करते हैं, ग्रंथियों से संबंधित होते हैं, इसलिए इसे हम ग्रंथिल ऊतक के नाम से जानते हैं। एक अथवा अनेक कोशिकाओं से बने हो सकते हैं और इनमें स्त्रावी पदार्थ के रूप में तेल, मोम, म्यूसिलेज, रेजिन होता है, और यह मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, मतलब कि ग्रंथिल ऊतक भी दो प्रकार के होते हैं। इसमें बाह्य ग्रंथियां मतलब एक्सटर्नल ग्लैंड्स हो सकती है और आंतरिक ग्रंथियां मतलब इंटरनल ग्लैंड्स हो सकती है, मतलब बाह्य ग्रंथियां और आंतरिक ग्रंथियां दो प्रकार से विशिष्ट प्रकार के स्थायी ऊतक के ग्रंथिल ऊतक हो सकते हैं। अब हम ग्रंथिल ऊतक के प्रकार पढ़ते हैं, बाह्य ग्रंथियां और आंतरिक ग्रंथियां। बाह्य ग्रंथियां जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि पौधों की बाहरी सतह जिसे हम एपिडर्मिस बोलते हैं पर उपस्थित होती है। बाह्य ग्रंथियां बाह्य त्वचा या पौधों की एपिडर्मिस पर उपस्थित होती है। कुछ ऐसी ग्रंथियां बाह्य ग्रंथियां होती है जो कि बाह्य त्वचा एपिडर्मिस पर जो रोम होते हैं, हेयर होते हैं, उन पर पाई जाती है, जिसे हम ग्रंथिल रोम के नाम से जानते हैं। मतलब कि पौधे की एपिडर्मिस पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर पर जो ग्रंथिल पाई जाती है उसे ग्रंथिल रोम कहते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ फूलों पर मतलब फूलों में अंडाशय जो होता है उसके चारों ओर भी ग्रंथियां पाई जाती है, जिसे मकरंद ग्रंथियां, नेक्टरी ग्लैंड्स कहते हैं। ये फूलों के अंडाशय के चारों ओर पाई जाती है, कीटों के आकर्षण में सहायक होती है। इसके अलावा कुछ कीट भक्षी पौधे होते हैं, उन कीट भक्षी पौधों के अंदर पाचक ग्रंथि के रूप में भी ये ग्रंथियां पाई जाती। कीट भक्षी पौधों में जैसे कि ड्रोसेरा हुआ, कलश पादप हुआ, इन पौधों में पाचक ग्रंथियां मतलब डाइजेस्टिव ग्लैंड्स बाह्य ग्रंथि के रूप में पाई जाती है, और पाचक रस का यानी पाचक एंजाइम का स्त्रावण करती है, जिससे कि कीटों का जो है अपघटन होता है। कुछ जो है दंस रोम के रूप में ग्रंथियां पाई जाती है, जैसे अर्टिका प्लांट जिसे बिच्छू पौधा के नाम से जानते हैं, इस पर कुछ दंस रोम पाए जाते हैं। इन रोम मतलब इनके अंदर जो है कुछ ऐसा उत्तेजक पदार्थ या जहरीला पदार्थ होता है जो दूसरे जीवों से इन पौधों की रक्षा करता है। दंस रोम मतलब कि दंस रोम जो है कुछ ऐसे अर्टिका प्लांट मतलब कि बिच्छू पौधे बोलते हैं इनको, इन पौधों में पाया जाता है। इन पौधों में जो ये दंस रोम जो होते हैं इनके अंदर से कुछ ऐसे उत्तेजक या जहरीले पदार्थ का स्त्रावण होता है जो कि सामने वाले जीव के ऊपर जो है प्रभाव छोड़ता है, ताकि पौधे को इन उन जीवों से रक्षा मिल सके। इसी प्रकार से कुछ आंतरिक ग्रंथियां होती है,
आंतरिक ग्रंथियां वे ग्रंथियां होती है जो कि पौधे के आंतरिक भागों में पाई जाती है। ग्रंथियां पौधों के भीतरी ऊतकों के अंदर बीच बीच में उपस्थित होती है। इस प्रकार से ये स्रावण संग्रहण का कार्य करती है। इस प्रकार जैसे ऑयल ग्लैंड्स, तेली ग्रंथियां जो होती है, जैसे नींबू संतरा, इनके छिलकों पर हम देखते हैं ऑयल जैसा पदार्थ स्रावित होता है। इसके अलावा इनकी पत्तियों पर उपस्थित होती है तेली ग्रंथियां जो तेल का स्रावण करती है। इसके अलावा म्यूसिलेज ग्लैंड जिसे श्लेष्म बोलते हैं, ये श्लेष्म का स्रावण करती है, पान की पत्तियों में उपस्थित होती है। गम ग्लैंड मतलब गोंद का स्रावण करने वाली ग्रंथियां पौधों में पाई जाती है। इसके अलावा रेजिन एक प्रकार का पदार्थ है, इस रेजिन को स्रावण करने वाली रेजिन को स्रावित करने वाली ग्रंथियां जो है रेजिन ग्लैंड्स कहलाती है। यह भी पौधों के अंदर आंतरिक भागों में पाई जाती है। विशेष प्रकार के स्थायी ऊतक में कुछ जल स्रावी ग्रंथि होती है, जैसे कि जलरंध्र या हाइड्रेट थोड्स। जलरंध्र जो है ये पिष्टिया, जलकुंभी जो कि जलीय आवास में पाए जाने वाले पौधे होते हैं, कुछ घासों में पाई जाती है और ये मुख्य रूप से बिंदु स्रावण का कार्य करती है। बिंदु स्रावण का अर्थ ये होता है कि पौधों के अंदर के पत्ती के भाग से जो पत्तियां होती है उनके किनारे के भाग से जल का बिंदु के रूप में मतलब जल का बूंद के रूप में निकलना बिंदु स्रावण कहलाता है। अब ये जलरंथिया या हाइड्रेथोड्स होते कहाँ है, जैसे कि ये जो एक पौधे का जो भाग है इस भाग में यह जो बीच वाला भाग है इसको जाइलम बोलते हैं। जाइलम से जल का स्रावण होता है मतलब कि जल का परिवहन होता है और यह आगे की ओर जो है एपिथेम मतलब एपिथेम जो है पेरेनकाइमा सेल और इंट्रासेलुलर स्पेस से मिलकर बना होता है। यहाँ पर कुछ पेरेनकाइमा जीवित सेल्स है और इनके बीच में जो स्पेस है कुछ खाली जगह इसे इंट्रासेलुलर स्पेस कहते हैं। इसके बाद यह आगे जाके एक केविटी में खुलती है, यह एक गार्ड सेल और स्टोमा में आगे की ओर खुलता है। स्टोमा के यहाँ पर छिद्र होता है, यहाँ पर जल रंध्र या हाइड्रोथोर्स बनता है। अब यहाँ जाइलम वेसल से जो है जल अधिक मात्रा में जब जल आता है तो जल इन इंट्रासेलुलर स्पेस से होते हुए केविटी में जाता है और केविटी से यह जल जो है बूंद के रूप में बाहर की ओर निकलता है। जैसे कि इस पत्ती में देखते हैं हम, इस पत्ती में यह जाइलम से होते हुए यह जो है जल जो है इस पत्ती के किनारे किनारे भाग पर एक ड्रॉपलेट के रूप में बिंदु मतलब कि बूंद के रूप में स्रावित हो रहा है, इसलिए इसे बिंदु स्रावण कहते हैं। और यह जो है बिंदु स्रावण जलरंध्र या हाइड्रेथोर्स के माध्यम से होता है और यह एक प्रकार का जल स्रावी ग्रंथि है और विशिष्ट प्रकार का स्थायी ऊतक है। यहाँ हम विशिष्ट स्थायी ऊतक यानी ग्रंथिल ऊतक के जो कुछ भाग हैं, जैसे कि ग्रंथिल रोम हमने पढ़ा है। ग्रंथिल रोम जो है ऐसे ऊतक जो कि कुछ पौधों के एपिडर्मिस पर कुछ रोम पाए जाते हैं, उन रोम पर कुछ ग्रंथि के समान संरचना पाई जाती है जो स्त्रावण का कार्य करती है, इसलिए इसे हम ग्रंथिल रोम कहते हैं। कुछ होते हैं सोबक रोम मतलब कि कांटे के समान होते हैं और इन पर भी कुछ ग्रंथियां पाई जाती है। इस प्रकार से इसे हम सोबक मतलब कि कंटक रोम के नाम से जानते हैं। इसके अलावा दंश रोम जो है कुछ ऐसे पौधे जैसे कि अर्टिका प्लांट्स हैं उन पर दंश रोम के समान ग्रंथियां पाई जाती है जो जहरीले या उत्तेजक पदार्थ का स्त्रावण करती है। इसके अलावा मकरंद ग्रंथि जो है पौधे के पुष्प के अंडाशय के चारों ओर जो है थैलेमस से जुड़ी संरचना होती है जो कि मकरंद का स्त्रावण करती है। इसकी जो आंतरिक संरचना देखें तो ये जो है मकरंद ग्रंथि की कोशिका की संरचना है, ग्रंथि की संरचना है, जिसमें ऊपर की ओर जो कोशिकाएं हैं जो लेयर बना रही है ये सिक्रेटरी का काम कर रही है मतलब कि जो है मकरंद को स्त्रावित करने का काम करती है। इस प्रकार से ये विशिष्ट स्थायी ऊतक है। इसी प्रकार ऑयल ग्लैंड्स मतलब तेली ग्रंथि जो है तेल का सिक्रीशन करती है पौधों के अंदर, जैसे नींबू संतरा हुआ, इनकी पत्ती पर नींबू के और संतरे के छिलके पर तेली ग्रंथियां पाई जाती है। ये ग्रंथियां जो है इनके अंदर प्रोटीन ग्लोब्यूल्स के मतलब जो प्रोटीन के छोटे छोटे ग्लोब्यूल्स होते हैं उनके पास आसपास जो है फैट ग्लोब्यूल्स बनते हैं। मतलब ये जो तेल ग्रंथि है ये जो है ऑयल ड्रॉपलेट का सिक्रीशन करती है। ये ऑयल ड्रॉपलेट जो है फैट ग्लोब्यूल्स के रूप में आते हैं और आगे जाके ये जो है ऑयल
ग्लैंड्स की जो केविटी होती है, मतलब ये जो ऑयल ग्लैंड्स है इसके बीच में जो ये केविटी है, इस केविटी के अंदर ऑयल का सिक्रिशन कर देती है। यहाँ पर तेली पदार्थ स्त्रावित हो जाता है, इस प्रकार से ये तेली ग्रंथि है। इसी प्रकार रेजिन ग्लैंड्स रेजिन पदार्थ का स्त्राव स्त्रावण करती है, ये रेजिन ग्रंथि है। और इसमें ये सिक्रेटरी सेल्स है, सिक्रेटरी सेल जो है रेजिन को एक ग्लोब्यूल्स के रूप में सिक्रेट करती है। और ये रेजिन के ग्लोब्यूल्स जो है यहाँ पर एक केविटी होती है रेजिन की, जिसे रेजिन कैनाल बोलते हैं, इसके अंदर रेजिन का स्त्रावण करती है। इस प्रकार से ये रेजिन ग्रंथि है, यह भी पौधों के अंदर पाई जाती है। इस प्रकार से हमने विशिष्ट प्रकार के ऊतक इस भाग में पढ़े हैं। अगले भाग में हम ऊतक तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। ऊतक तंत्र में हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसके अलावा वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम और इसके अलावा ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के बारे में अगले भाग में पढ़ेंगे।